हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ की जो केमिस्ट्री की क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण केमिकल कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जिनके आपको सिर्फ नाम याद रखने हैं, ठीक है? तो उनको मैं आपको के ग्रुप में जो है शेयर कर दूंगी। और उसके अलावा जो ये चार आप देख रहे हैं यहाँ पे, इससे जो है मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, 16 का, 17 का, 18 का, तो इन्हीं में से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है? या इनका कॉमन नाम नेम पूछा गया है, केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, और मेनली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा गया था 2017 में ब्लीचिंग पाउडर का दे दिया था आपको, और इसमें बोला गया था कि आपको क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है? साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट रिएजेंट कौन सा है, जैसे कि अगर इसका हम निर्माण करते हैं, मान लो खाने का जो सोडा है, बेकिंग सोडा, तो अगर उसका हम निर्माण करते हैं तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट रिएजेंट कौन सा है, इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है आपको सीधा जो है फॉर्मूला पूछा गया था, ठीक है? और इसके अलावा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाता है वो जिप्सम, ठीक है? तो जिप्सम का भी जो है फॉर्मूला पूछा गया था आपके एसीएफ के एग्जाम में 2017 में, ठीक है? तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। और इस तरह के जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप जो है आसानी से कर लेंगे। तो इसको पॉइंट वाइज देखेंगे, पॉइंट वाइज याद करिएगा, डायरेक्ट जो है वहीं से आपको क्वेश्चन उठा के दे दिया जाएगा, ठीक है? तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे किसको, वॉशिंग सोडा को, ठीक है? वॉशिंग सोडा जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है, बेकिंग सोडा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये सारा जो है हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले वॉशिंग सोडा का क्वेश्चन के फॉर्म में ही देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले वॉशिंग सोडा से पूछा जा सकता है इसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक है? तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3 × 10H2O, पूछा जा चुका है, आगे भी ये पूछा जाएगा, ठीक है? तो Na2CO3 × 10H2O ये जो है आपका वॉशिंग सोडा का जो है क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है? अगर इसका नेम पूछा जाता है तो इसका नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसको आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सोडियम जो है मेनली आप सबको पता है Na सोडियम है, कार्बोनेट के लिए हम जो है CO3 का इस्तेमाल करते हैं, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में जो है 10 का मतलब होता है डेका, और इसमें जो है वाटर के जो है मॉलिक्यूल होते हैं, जिस वजह से इसको जो है हाइड्रेट कहा गया है, ठीक है? तो ये है वॉशिंग सोडा का नेम, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और जो जनरली जो साधारण नेम है आपका वॉशिंग सोडा है, ठीक है? ये होता कैसा है, ये जो है व्हाइट क्रिस्टलिन सॉलिड है, ठीक है? क्रिस्टल होता है सफेद कलर का, और ये जो है वाटर में जब खोलते हैं तो ये जो है बेसिक नेचर दिखाता है, मतलब ये जो है कैसे कैरेक्टर में होता है, तो क्षारी कैरेक्टर में होता है, जिसको एल्केलिन भी कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मेथड क्या है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको कहा जाता है, उसको गर्म करते हैं तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट और वाटर में जो है ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है? अब जो है सोडियम कार्बोनेट को जो है हम जो है वाटर के 10 मॉलिक्यूल के साथ जो है इसको मिलाते हैं, ठीक है? तो जब विलय करते हैं तब जो है इसका जो है जो बनता है वो क्या बनता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है, जो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है? तो आपको जो है एग्जैक्ट जो है इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो है इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं यूज, तो यूज जो है इसके इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, तो जैसे जो पेपर इंडस्ट्री है उसमें जो है इसका यूज होता है, साथ ही साथ जो ग्लास के जो इंडस्ट्रीज है उसमें यूज होता है, उद्योग में सॉप के जो उद्योग हैं उसके लिए जो है यूज होगा, मेनली आप डिटर्जेंट जो यूज करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो है इस उद्योग में जो है आपका वॉशिंग सोडा का यूज होता है। बोरैक्स है, जैसे बोरैक्स जो सोडियम है उसके प्रोडक्शन में भी जो है आपका
वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मेनली आपको याद रखना है कि वाटर का जो हार्डनेस है, ठीक है, वाटर में जो हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, उसको जो है दूर करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। वाटर में हार्डनेस क्या होता है, देखिए कई वाटर होते हैं जिनमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर उस वाटर में है तो वो वाटर जो है हार्डनेस कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो इसके जो है प्यूरिफाई के लिए, ठीक है, इस हार्डनेस को दूर करने के लिए जो है आपका किसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा का। और ये जो है टेम्परेरी होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नॉर्मली उबालने से, ठीक है, या प्योरीफाई करने से ही निकल जाता है, लेकिन परमानेंटली जो है कौन होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब बस इन्हीं फैक्ट को ही आपको याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़िएगा, इसी से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा आप सबको पता है कि आप सबके घर में रहता है, केक वेक जो बनाते हैं उसमें जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, कुकिंग में होता है। ठीक है, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, इसका नेचर जो होता है बेसिक होता है, मतलब जो बेकिंग सोडा है वो क्षारीय कैरेक्टर जो है शो करता है। ठीक है, क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, ये दो आपको पक्का कंफर्म आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे भी पूछे जा सकते हैं। मेथड देख लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको एक बीकर में आप मिलाइए, जिसके बाद जो है आपका अमोनियम क्लोराइड और अलग से जो है क्रिस्टल फॉर्म में बैठ जाएगा, ये जो है आपका क्या है, सोडियम बाय कार्बोनेट। और इसमें अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट जब बेकिंग सोडा का जब निर्माण होता है तो उसमें जो है महत्वपूर्ण रिएजेंट कौन है या महत्वपूर्ण अभिकर्मक कौन से हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको बताना है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनिया जो है मेन जो है रिएजेंट है किसके, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म होने में या बेकिंग सोडा के बनने में। ठीक है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है इस, और ये जो है याद रखिएगा, एक प्रोसेस अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रोसेस से ये मतलब बनता है, तो सॉल्वे प्रोसेस से। ठीक है, बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है। जब हम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस होता है। ठीक, बस यही आपको यहाँ पे याद रखना है, इसी से जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे जो है यूज देख लेते हैं, तो देखिए एसिडिटी में यूज होता है। ठीक है, एसिडिटी को दूर करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, आग को बुझाने के लिए, कहीं आग लग गई है तो वहाँ उसको बुझाने में जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, और कुकिंग में नॉर्मली जैसे केक वगैरह, पकौड़ा वगैरह, इन सब जो घरों में जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसके लिए जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यू जो है इससे दो बार जो तीन बार जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो केमिकल फॉर्मूला जो है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, याद रखिएगा ½ H2O, या फिर ये भी अगर दे दिया जाता है 2 CaSO4 × H2O, तो ये दोनों ही जो है सही है। ठीक है, दोनों ही क्या है, सही है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट सही सही जो फॉर्मूला क्या है, तो आपको जो है ऑप्शन में ये दिया हुआ था, तो आपको जो है इसको याद करना है। ठीक है, और कभी अगर ये दिया गया तो आपको याद रखना होगा कि हाँ ये भी जो है इसका फॉर्मूला है। इसका केमिकल नेम जो है क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। मेथड देख लेते हैं, तो मेनली जो जिप्सम से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। जिप्सम का भी फॉर्मूला पूछा गया था आपको, जिप्सम है इस तरह से दिया हुआ था और 5 ऑप्शन दिए गए थे, तो जिप्सम वहां पे ऑप्शन में था ये CaSO4 × 2H2O। ठीक है, तो आपको जिप्सम जो है पता होना चाहिए। ठीक है, और ये अभी जो CGPSC का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो है इस क्वेश्चन पूछा गया था इससे,
तो हो सकता है जो अभी जो आपके एसीएफ के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जिप्सम जो है बहुत हार्ड होता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा गर्म करके जिप्सम को क्या किया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जब जिप्सम थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है उसको 120 डिग्री सेल्सियस पे, या ये कहें 373 केल्विन पे जो है, इस टेम्परेचर पे जो है इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है। ठीक है, जिसके बाद ये जो है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस में फॉर्म हो जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है और 1.5 H2O मॉलिक्यूल जो है वो जो है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो और याद रखिएगा, अगर जो है इसको जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे अगर इसको गर्म कर दिया जाता है, मान लो 200 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको गर्म कर दिया जाता है, तो ये जो ये है CaSO4 में बदल जाता है और वाटर का मॉलिक्यूल जो है अलग निकल जाता है और इसको कहा जाता है डेड प्लास्टर, ठीक है, या मृत प्लास्टर। क्लियर है, तो इसको आपको याद रखना है, डेड प्लास्टर क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसको जो है ये इसी को जो है नो सेटिंग प्लास्टर भी कहते हैं या बर्न प्लास्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है जिस तरह से प्लास्टर को काम करना चाहिए वो जो है ये काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो यूज क्या क्या होता है, तो मेनली आपको जो बोन है, ठीक है, अगर फ्रैक्चर हो जाता है हड्डियों में, तो उसको जो है फिक्स करने के लिए जो है एग्जैक्ट पोजीशन में लाने के लिए जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स, ठीक है, वॉल में जो पुट्टी होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस ही इस्तेमाल किया जाता है, चौक के लिए होता है, और साथ ही साथ जो डिजाइनर टूल्स है, जैसे कुछ खिलौने बना दिए जाए गए, कुछ घरों के लिए कुछ सामान बनाया जाता है, तो इन सब में जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। मेनली ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, जो आप ऊपर जो फॉर्मूले हैं, ठीक है, इन्हीं से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यूज से जो है का क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, तो जो है इनको जो है आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का ध्यान रखिएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है CaOCl2। ठीक है, देखिए इससे जो है आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था क्लोरीन का, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, अगर ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन का जो है, जिसको आप विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। इसे पहले जो वीडियो बनाया गया था उसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर को मैंने आपको कराया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट पे जाके जो है वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो नेम है वो है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो केमिकल नेम जो है क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर जो है इसका साधारण नाम है, केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, अगर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं तब भी सही है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं तब भी ये सही है। क्लियर, मेथड देख लेते हैं, तो मेथड जो है क्या है, तो यहाँ पे जो बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है, CaOH2, तो ये जो है बुझा हुआ सुना, जिसको डाइसलेक लाइम भी कहा जाता है, इसको जो है कैल्शियम के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तब जो है आपका क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और ये जो है येलो कलर का होता है, याद रखिएगा हल्के येलो कलर में जो है ये होता है और इसमें जो है वाटर जो है अलग निकल जाता है। यूज देखिए, जैसे जो गंदे कपड़े होते हैं उसके ब्लीचिंग के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही जो है वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए, एक्चुअली जो है आपके ब्लीचिंग पाउडर में जो है क्लोरीन होता है। ठीक है, तो रिएक्शन के टाइम पे क्लोरीन अलग हो जाता है और आपने पढ़ा होगा कि वाटर को जो है प्यूरीफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्लोरीन का करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो है वाटर के प्यूरिफिकेशन में जो है इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर, साथ ही साथ जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। देखिए इसमें जो है ऑक्सीजन होता है,
तो ऑक्सीजन यहाँ से जो है रिएक्शन के टाइम पे निकल जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज में अगर किसी चीज को ऑक्सीडाइज कराना हो तो जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ये भी याद रखिएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जो है के रूप में जो है ब्लीचिंग पाउडर का जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बस इतनी ही फैक्ट जो है आपको याद रखना है, इससे ज्यादा जो है इनमें जो है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो और एक्स्ट्रा जो केमिकल कंपाउंड है जिसके सिर्फ आपको नाम याद रखने, तो मैं वो जो है आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से जो है आप चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।